नमस्कार, मैं प्रिया। आज है 26 अप्रैल। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। अगले महीने से एक ही इमरजेंसी नंबर का शुरू होना तय। बिहार में महज फिंगरप्रिंट से पहचाने जाएंगे अपराधी। उच्च शिक्षा लेने वाले अब नहीं रहेंगे बेरोजगार। बिहार के लाल ने किया कमाल, लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम करवाया दर्ज। आज से शुरू होंगे CBSE की टर्म 2 की परीक्षा। अब चलिए बढ़ते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। अगले महीने से एक ही इमरजेंसी नंबर का शुरू होना तय। अब किसी भी इमरजेंसी के लिए आपको अलग अलग फोन नंबर डायल करने की जरूरत नहीं होगी, बल्कि एक ही नंबर 112 पर आप कॉल करके अपनी समस्या का समाधान ले सकेंगे। यानी कि अब किसी भी इमरजेंसी सेवा के लिए 112 ही मान्य होगा। हालांकि इस सुविधा के लिए आपको अगले महीने तक का इंतजार करना पड़ सकता है। उम्मीद यही जताई जा रही है कि अगले महीने से ये सेवा शुरू हो जाएगी। कोतवाली थाना परिसर में तैयार हो चुके IRSS का जायजा लेने हाल ही में BMP के DG AK अंबेडकर भागलपुर पहुंचे थे। उन्होंने बातचीत के दौरान बताया कि अगले महीने इस इमरजेंसी नंबर की शुरुआत हो जाएगी। उनके साथ DIG सुजीत कुमार, SSP बाबूराम, SP सिटी स्वर्ण प्रभात और अन्य पदाधिकारी भी मौजूद थे। निरीक्षण के बाद DG अन्य पदाधिकारियों के साथ सर्किट हाउस भी पहुंचे। बिहार के 14 जिलों में हीट वेव को लेकर जारी हुआ अलर्ट। बिहार में गर्मी का सितम जारी है। दिन में 10 बजने के साथ ही बिहार के तापमान में लोगों का रहना मुश्किल हो रहा है। हालांकि कुछ जिलों में बारिश से लोगों को राहत जरूर मिली है, लेकिन कुछ जिले अभी भी ऐसे हैं जहां पर हीट वेव की स्थिति बनती दिखाई दे रही है। मौसम विभाग की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार पछुआ हवा के प्रवाह से लगातार दूसरे दिन भी दक्षिण बिहार के अधिकतर जिलों में लू जैसी स्थिति देखने को मिली। वहीं बिहार के 14 जिलों में हीट वेव का अलर्ट जारी किया गया है। बीते 24 घंटे में पटना, शेखपुरा, पश्चिम चंपारण जिले का माधोपुर, बक्सर, बांका और सिवान जिले का जीरादेई रविवार को सबसे गर्म रहा। वहीं पटना, बक्सर और भोजपुर में आज भी लू चलने की संभावना जताई गई है। मौसम वैज्ञानिक आशीष कुमार सिंह ने बताया है कि 25 अप्रैल से हीट वेव की संभावना बन रही है। उच्च शिक्षा लेने वाले अब नहीं रहेंगे बेरोजगार। बिहार में जितनी बेरोजगारी अनपढ़ लोगों की है, उतने ही बेरोजगार पढ़े लिखे लोग बने बैठे हैं। हालांकि अब उम्मीद जगी है कि बिहार में पढ़े लिखे बेरोजगारों की संख्या कम होने वाली है। मीडिया में चल रही खबरों के अनुसार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के दिशा निर्देश के आलोक में उच्च शिक्षा को रोजगार परक बनाने की प्राथमिकता देने का काम शुरू हो गया है। सबसे खास बात यह है कि उच्च शिक्षा के सभी पाठ्यक्रम को कुछ इस तरह से डिजाइन करने का काम हो रहा है जिनमें कौशल का प्रशिक्षण अनिवार्य होगा। ये उसी पाठ्यक्रम या क्षेत्र से संबंधित होगा जिसमें छात्र पढ़ाई कर रहे होंगे। इनमें डिग्री, डिप्लोमा और सर्टिफिकेट जैसे सभी स्तर के व्यावसायिक पाठ्यक्रम शामिल है। इसमें इंटर्नशिप भी जरूरी होगी। आज बिहारी बर्थडे स्पेशल में हम बात करेंगे निधि यशा की। निधि यशा एक भारतीय कॉस्ट्यूम डिजाइनर है। निधि जी TV के बुद्ध और स्टार प्लस TV श्रृंखला महाभारत 2013 TV श्रृंखला के लिए भानु अथैया के साथ शो के लिए उनके परामर्श संकाय के रूप में वेशभूषा डिजाइन करती थी। यशा ने कहा है कि उन्होंने शो के लुक में आने के लिए पीरियड टेक्सटाइल, कॉस्ट्यूम और ज्वेलरी से संबंधित 450 से अधिक किताबों का अध्ययन किया। निधि यशा का जन्म 1983 में पटना में हुआ था। उन्होंने सेंट जोसेफ कॉन्वेंट हाई स्कूल पटना से पढ़ाई की। उन्होंने साल 2005 में निफ्ट दिल्ली से स्नातक की उपाधि प्राप्त की। निधि यशा 2008 में मुंबई आई और नवंबर 2008 से मार्च 2009 तक एक खुदरा ब्रांड वधावन लाइफस्टाइल इंडिया के लिए मेंसिवियर डिवीजन को संभाला। उन्होंने 2009 में वेशभूषा डिजाइन करना शुरू किया था और उनके काम के लिए इंडियन टेलीविजन अकेडमी अवार्ड और इंडियन टेली अवार्ड भी जीता है। निधि ने 2009 से 2011 तक स्वास्तिक पिक्चर्स के लिए एक कॉस्ट्यूम डिजाइनर के रूप में भी काम किया था। उन्हें ईस्ट वेस्ट सेंटर गैलरी द्वारा उनके काम को प्रदर्शित करने के लिए आमंत्रित किया गया था। अब आपराधिक मामलों को नहीं छुपा पाएंगे पुलिसकर्मी, दर्ज होगा मामला। बिहार के पुलिसकर्मी अब अपने ऊपर लगे आपराधिक मामलों को छुपा नहीं पाएंगे। आला पुलिस अधिकारियों को इसकी जानकारी अब तुरंत ही मिल जाएगी, क्योंकि पुलिस कर्मियों की सेवा पुस्तिका और ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम के सॉफ्टवेयर में दोनों ही जानकारियां दर्ज की जाएंगी। पुलिस मुख्यालय ने जिलों के साथ इकाइयों को इसे हर हाल में दर्ज करने को कहा है। इतना ही नहीं, सभी पुलिस कर्मियों से डेटा बनाने की बात भी कही गई है, जिसका साफ मतलब है कि अब डेटा कंप्यूटराइज होगा। यानी कि अब सिपाही हो या अफसर, कोई भी अपने ऊपर दर्ज आपराधिक मामलों या विभागीय कार्रवाई को छुपा नहीं पाएंगे। इन आंकड़ों को जिला पुलिस की तरफ से ही अब कार्यालय के कंप्यूटर में फीड रखा जाएगा। सालाना कमाई में बिहार के स्टेशन ने मारी बाजी।
हाल ही में पूर्व मध्य रेलवे के सबसे अधिक आय देने वाले स्टेशनों के नाम का खुलासा हुआ है। रेलवे की तरफ से जारी किए गए अधिसूचना के अनुसार सालाना सबसे अधिक आय देने के मामले में पटना जंक्शन पहले स्थान पर है, वहीं मुजफ्फरपुर तीसरे स्थान पर। जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार पटना जंक्शन की कमाई 4.36 अरब, दानापुर की 2.01 अरब और मुजफ्फरपुर की 1.77 अरब है। पूर्व मध्य रेलवे के OSPCM राजीव रंजन कुमार ने 1 अप्रैल 21 से 31 मार्च 22 का आंकड़ा जारी कर इसकी जानकारी दी है। इसमें जनरल काउंटर और रिजर्वेशन काउंटर की अलग अलग आय बताई गई है। मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड ने निकाली रिक्तियां। मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड ने सहायक अभियंता सहायक कार्यकारी के कुल मिलाकर 10 पद पर आवेदन की मांग की है। इन पदों के लिए अनुशासन की बात करें तो इसमें अग्नि, वित्त, आंतरिक लेखा परीक्षा, सचिवीय, नौवहन है। वहीं शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो अभ्यर्थियों के पास आग, अग्नि और सुरक्षा में बीई, बीटेक, सीए, सीएमए, आईसीएआई, एमबीए के साथ वित्त, शिपिंग और रसद, शिपिंग और पोर्ट प्रबंधन, समुद्री इंजीनियरिंग में स्नातक डिग्री, प्रासंगिक अनुशासन में स्नातक की डिग्री होना अनिवार्य है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार अंतिम तारीख 22 मई 2022 तक आधिकारिक वेबसाइट www.mrpl.co.in पर जाकर आवेदन भर सकते हैं। इसके साथ ही आप इन पदों से जुड़ी तमाम जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए URL से भी जाकर ले सकते हैं। 30 मई से 5 मिनट में होगा दीघा से गांधी मैदान का सफर। बिहार की नीतीश सरकार बिहार में सड़कों के जाल को बिछाने का काम कर रही है, जिसके तहत ही अब तक कई सड़कों का निर्माण भी पूरा हो गया है, जिसे यकीनन आम लोगों की यात्रा अब सुगम होने लगी है। वहीं 30 मई से बिहार वासियों को एक और सड़क की सौगात मिलने वाली है, जिसे खासतौर पर पटना वासियों को काफी फायदा मिलने वाला है। मीडिया में चल रही खबरों के अनुसार पटना के लोगों का इंतजार खत्म होने वाला है। गंगा पथ एक्सप्रेसवे का 5.4 किलोमीटर का निर्माण कार्य 90% पूरा हो चुका है। बता दें कि लोकनायक जेपी गंगा पथ एक्सप्रेसवे पर वाहनों का परिचालन 30 मई से शुरू हो जाएगा। खबर के अनुसार इस दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस गंगा पथ एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे। बिहार में अब इतने चक्कों के ट्रक से होगी गिट्टी बालू की ढुलाई। पुलों की जर्जर हो रही हालत को सुधारने के लिए ही हाल ही में राज्य सरकार ने 16 चक्कों के ट्रक से गिट्टी बालू की ढुलाई पर रोक लगाने का आदेश जारी किया था, लेकिन अब पटना हाईकोर्ट ने राज्य सरकार की तरफ से जारी अधिसूचना को ही निरस्त कर दिया है। यानी कि अब बिहार में 16 चक्कों के ट्रक से गिट्टी और बालू की ढुलाई जारी रहेगी। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार द्वारा बिहार में 16 चक्कों के ट्रक से गिट्टी और बालू आदि की ढुलाई पर 16 दिसंबर 2020 को अधिसूचना जारी कर लगाई गई रोक को हटाते हुए सरकार की फैसले को निरस्त कर दिया है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि हाईकोर्ट ने बीते दिन सरकार की तरफ से मामले में जारी किए गए अधिसूचना की वैधता को चुनौती देने वाली लोकहित याचिका पर सुनवाई पूरी करते हुए अपना आदेश पहले ही सुरक्षित रख लिया था, जिसको ही बीते दिन सुनाया गया है। बिहार में महज फिंगरप्रिंट से पहचाने जाएंगे अपराधी। बिहार में अपराध के मामले काफी ज्यादा बढ़ रहे हैं, क्योंकि पर्याप्त कार्रवाई नहीं हो रही है। लेकिन अब आने वाले समय में ऐसा नहीं होने वाला है, क्योंकि आने वाले समय में मेट्रो सिटी में हो रही पुलिसिंग की तर्ज पर अब आपको जल्द ही बिहार राज्य में भी पुलिसिया कार्रवाई देखने को मिलने वाली है। यानी कि अब बिहार की पुलिस भी किसी तरह की घटना होने के बाद घटनास्थल और वहां से बरामद सामान पर मौजूद फिंगरप्रिंट के आधार पर घटना में संलिप्त अपराधियों की पहचान करने वाली है। हालांकि ये योजना अभी प्रक्रिया अंतर्गत है। सभी जिलों से मांगे गए डेटा के मिलने के बाद उसे बिहार पुलिस के सेंट्रल ऐप या वेबसाइट सहित फॉरेंसिक लैब के सिस्टम में अपलोड किया जाएगा। अब मैनहोल की सफाई करेंगी महिला दस्ता टीम। हाल ही में सोशल मीडिया पर आपने भी एक वीडियो जरूर देखा होगा, जहां मैनहोल में एक महिला फोन पर बात करने के दौरान गिर जाती है, जिसके बाद से इसे बंद करने और इसकी साफ सफाई एक बड़ी चुनौती बनकर सामने आई है, जिसमें अब नगर निगम महिलाओं को लगाने वाला है। पटना नगर निगम की तरफ से स्लम में रहने वाली महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर और सशक्त करने की पहल का सकारात्मक असर दिखने लगा है। पटना में मैनहोल की सफाई के लिए महिलाओं का दस्ता तैयार किया गया है। पाटलिपुत्र अंचल से इसकी शुरुआत हुई है। अभी दस्ते में 24 महिलाएं शामिल है। नगर निगम ने इन महिलाओं के साथ इकरारनामा किया है। इन महिलाओं को स्वच्छांगिनी का नाम दिया गया है। ये महिलाएं मैनहोल की सफाई करेंगी। पूर्वी चंपारण के अशोक स्तंभ में आपको देखने को मिलेगा बहुत कुछ खास। मोतिहारी शहर से लगभग 30 किलोमीटर दूर है लौरिया, जहां ऐतिहासिक अशोक स्तंभ स्थापित है। सम्राट अशोक ने अपने द्वारा लगवाए गए सभी शिलालेख और स्तंभों में मानव मूल्यों में उच्च नैतिकता को बरकरार रखने के लिए अपने संदेश अंकित किए थे। स्तंभ पर 41 पंक्तियों में नागरिकों को मानव धर्म का पालन करने और मित्रता का संदेश अंकित है। सम्राट अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 26 साल बाद ये धर्मलेख 6 ठोस पत्थरों के स्तंभों पर लिखवाया था। इस धर्मलेख स्तंभ का वजन
34 टन है, जबकि इसकी ऊंचाई 36.5 फीट है। इस स्तंभ के ऊपर सिंह नहीं है, जो शायद टूट जाने के कारण कोलकाता संग्रहालय में रखा गया है। बिहार के लाल ने किया कमाल, लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम करवाया दर्ज। कहते हैं जब हौसलों में उड़ान हो तो इंसान कुछ भी कर सकता है। कुछ ऐसा ही कर दिखाया है एक छोटे से शहर से आने वाले एक शख्स ने। बिहार के एक छोटे से जिले जहानाबाद से आने वाले किसले सर ने वो कर दिखाया है जिसे आज उनकी पहचान विश्व पटल पर देखने को मिल रही है। किसले सर के लिए खुशी का पल है, और हो भी क्यों ना, उनका नाम लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुआ है। इस उपलब्धि से जहां बिहार का नाम रोशन हुआ है, वहीं जहानाबाद में भी खुशी का माहौल है। आपको बता दें कि किसले ने पहले मैच के 2500 से ज्यादा फॉर्मूले बनाकर गोल्ड बुक ऑफ वर्ल्ड में अपना रिकॉर्ड दर्ज करवाया था, जिसके बाद 5067 फॉर्मूले बनाकर उन्होंने लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड में अपना नाम और ख्याति दर्ज करवा लिया है। बिहार के कई स्टेशन पर खोले जाएंगे दवा काउंटर। अब ट्रेन से सफर करने वाले यात्रियों को यात्रा के दौरान परेशान होने की जरूरत नहीं होगी। कम से कम सेहत संबंधी परेशानियों से उन्हें निजात मिलने वाला है। रेलवे अपने यात्रियों को एक से बढ़कर एक योजना का लाभ दे रहा है, क्योंकि अब ट्रेन से सफर करने वाले यात्रियों को इलाज के साथ साथ दवाएं भी उपलब्ध करवाई जाएंगी। यही नहीं, उल्टी, दस्त, बुखार और अन्य छोटे बीमारियों के लिए दवाएं तुरंत मिल जाएगी। इसके साथ ही अब यात्रियों को परेशानी ना हो, इसको लेकर अब रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर दवाओं के लिए स्पेशल काउंटर खोला जाएगा। रेल यात्रा के दौरान उल्टी, दस्त, दर्द और बुखार सहित अन्य बीमारी होने पर तुरंत प्लेटफॉर्म पर दवा खरीद कर खा सकते हैं। इस बार कहीं आम के लिए तरस न जाएं आप। बिहार के कई हिस्सों में आम की खेती को भारी नुकसान। गर्मी का मौसम भले ही काफी झेलाऊ होता हो, लेकिन लोगों को आम खाने की अलग ही खुशी होती है। साल भर लोग आम के सीजन के आने का इंतजार करते हैं, लेकिन इस बार बाजारों में आम की रौनक पहले जैसी देखने को नहीं मिलने वाली है, क्योंकि इस बार बिहार के कई हिस्सों में आम की खेती को भारी नुकसान हुआ है। साझा की गई जानकारी के अनुसार इस बार बिहार के कई हिस्सों में आम की खेती को लगभग 20% का नुकसान झेलना पड़ा है। मुजफ्फरपुर, दरभंगा, शिवहर, मोतिहारी और आसपास के जिलों में फ्रूट बोरर रोग ने भारी नुकसान पहुंचाया है। इस कीट पर सामान्य कीटनाशक का असर नहीं हो रहा, कीट फल में छेद कर उसे सड़ा दे रहा है। इससे आम झड़कर गिर जा रहे हैं। आधा दर्जन से अधिक जिलों में इस कीट ने बागों में 50% तक नुकसान पहुंचा दिया है। ऐसे में सभी किसानों से बागों में सिंचाई करने की अपील भी की गई है। आज सीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी करेंगे शिक्षा मंत्री के घर का घेरा। शिक्षक बहाली में अनियमितता को लेकर अब सीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी आज शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी के घर का घेराव करने वाले हैं। इसको लेकर बीते दिन ही विभिन्न जिलों के अभ्यर्थी पटना के लिए रवाना हो गए थे। इसको लेकर बीते दिन ही सीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की बैठक भी बुलाई गई थी। अभ्यर्थियों का कहना था कि वो सभी विगत 3 वर्षों से शिक्षक बहाली का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन सरकार के स्तर से आश्वासन के सिवा कुछ नहीं मिल रहा। शिक्षा मंत्री ने पूर्व में यह आश्वासन दिया था कि मार्च के अंतिम सप्ताह में इसकी प्रक्रिया आरंभ होगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, जिसके बाद यह अगर 26 अप्रैल के आंदोलन के बाद भी सरकार के स्तर से अनुकूल पहल नहीं हुई तो बाद में उग्र आंदोलन किया जाएगा। बिहार का पहला सिस्मिक रिसर्च सेंटर तैयार, लेकिन अभी भी नहीं दे रहा भूकंप को लेकर अलर्ट। बिहार में अब भूकंप को अलर्ट विशेषज्ञों को 40 सेकंड पहले ही मिलने का अनुमान था, क्योंकि बिहार का पहला सिस्मिक रिसर्च सेंटर राजधानी पटना में बनकर तैयार हो गया है। हालांकि इसका निर्माण कार्य तो पहले ही पूरा हो गया था, लेकिन अब तक ये चालू नहीं हो सका है। करीब 3,44,60,000 रुपए की लागत से भवन निर्माण विभाग ने इस रिसर्च सेंटर का निर्माण करवाया है। भवन निर्माण विभाग ने अपनी तय समय सीमा में बिल्डिंग का निर्माण तो कर दिया, लेकिन लगभग 1 साल से इस भवन में ताला लटका पड़ा है। पूरे प्रोजेक्ट पर अभी भी और भी पैसे खर्च करना बाकी है। बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को इसकी जिम्मेवारी सौंपी गई है। उसी के द्वारा उपकरण खरीदने से लेकर वैज्ञानिकों की नियुक्ति तक की जानी है। सीएम नीतीश ने की गंगा जल आपूर्ति योजना की समीक्षा। बिहार के मुखिया नीतीश कुमार ने बीते दिन ही बाढ़ पूर्व की तैयारी और गंगा जल आपूर्ति योजना की समीक्षा बैठक बुलाई। इसमें ही उन्होंने अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी जारी किए हैं, जिसके तहत ही पहले तो जल संसाधन विभाग के सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने प्रस्तुतिकरण के माध्यम से जल संसाधन विभाग की कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं की कार्य प्रगति की जानकारी दी। उन्होंने गंगा जल आपूर्ति योजना के तहत इनटेक बेल सह पंप हाउस, डिटेंशन टैंक सह पंप हाउस की भौतिक कार्य प्रगति की अद्यतन स्थिति की जानकारी दी और बताया कि पाइपलाइन का 97% काम पूरा हो गया है। इसके बाद ही सीएम नीतीश ने अपना आदेश जारी करते हुए कहा कि गंगा जल आपूर्ति योजना को जल्द से जल्द पूर्ण करें, गंगा जल के स्टोरेज, शुद्धिकरण और सप्लाई कार्य प्रगति की निरंतर निगरानी करें। सीबीएसई पाठ्यक्रम में बदलाव को लेकर शिक्षा मंत्री विजय चौधरी ने जताई आपत्ति।
सीबीएसई पाठ्यक्रम में बदलाव करते हुए 11वीं और 12वीं के सिलेबस से इतिहास के कई महत्वपूर्ण घटनाओं को हटाने का काम किया गया है, जिसमें गुटनिरपेक्ष आंदोलन, शीत युद्ध के दौर, अफ्रीकी एशियाई क्षेत्रों में इस्लामी साम्राज्य का उदय, मुगल दरबारों के इतिहास और औद्योगिकी क्रांति से संबंधित अध्याय शामिल है, जिसके बाद से ही अब इन मुद्दों को लेकर राजनीति तेज हो गई है, जिस पर विरोध सबसे पहले शिक्षा मंत्री विजय चौधरी ने किया है और कहा है कि पाठ्यक्रम में बदलाव की आधिकारिक सूचना नहीं दी गई है। पाठ्यक्रम में जो बदलाव किया गया है उसका कोई औचित्य नहीं है। भारत के इतिहास का मुगल शासनकाल अविभाज्य हिस्सा है। यदि कोई देश का इतिहास समझना चाहेगा तो बीच में किसी काल को हटाया नहीं जा सकता है। हमारे पास ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो कुर्सी जाने से पहले ही कर लेते हैं अगली कुर्सी की तैयारी। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर बीते दिन एक बार फिर से तंज कसा है, जिसके तहत ही बीते दिन मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि हमारे पास ऐसे मुख्यमंत्री हैं कि कुर्सी जाने से पहले अगली कुर्सी को तैयार कर लेते हैं, जैसा शुरू से हमने इनके राजनीतिक जीवन में देखा है। कभी एनडीए से अलग हुए, फिर कुर्सी मिली, फिर एनडीए में आ गए, लेकिन जब जब ये मुख्यमंत्री बने बिहार को और पीछे ले गए। शिक्षा व्यवस्था चौपट, स्वास्थ्य व्यवस्था चौपट, युवाओं को रोजगार नहीं, कोई काम इन्होंने ढंग से किया नहीं। साल 2020 से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री है और हर बार इनकी कुर्सी की ही चर्चा होती है, कभी युवाओं के रोजगार को लेकर चर्चा नहीं होती है। अपने ही कार्यकर्ताओं के बीच घिरे तेजस्वी, बीते दिन नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को उनके ही कार्यकर्ताओं ने घेर कर खूब बवाल काटा। दरअसल राजद की इफ्तार पार्टी के दौरान तेज प्रताप यादव द्वारा अभद्र व्यवहार करने पर और राजद पार्टी नहीं छोड़ने पर गोली मारने की धमकी दी थी, जिसके बाद से ही राजद कार्यकर्ताओं के बीच में आक्रोश का माहौल है। यही कारण भी रहा कि बीते दिन कार्यकर्ताओं ने तेज प्रताप के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव पर राजद नेता रामराज ने बड़ा आरोप लगाया है, जिसमें उन्होंने तेजस्वी, लालू और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह को भी गंदी गंदी गालियां देने का आरोप तेज प्रताप यादव पर लगाया है। आज से शुरू होंगे सीबीएसई की टर्म टू की परीक्षा। आज से सीबीएसई बोर्ड की 10वीं और 12वीं की टर्म टू की परीक्षा होने वाली है। बढ़ती गर्मी और कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच 52 दिनों की परीक्षा शुरू होने वाली है, यानी कि ये परीक्षा आज से 15 जून तक जारी रहेगी। कक्षा 10वीं के लिए टर्म टू परीक्षा 26 अप्रैल से 24 मई तक किया जाना है, जबकि कक्षा 12वीं के लिए टर्म टू परीक्षा 26 अप्रैल से 15 जून तक होगी। लाखों छात्र सीबीएसई टर्म टू परीक्षा में शामिल होंगे। वहीं जैसा कि देखा जा सकता है कि कोरोना के मामले फिर से बढ़ रहे हैं, ऐसे में बच्चों से कहा जा रहा है कि वो सैनिटाइजेशन से लेकर मास्क तक पर ध्यान दें। एग्जाम के दौरान साफ सफाई को लेकर पूरी तरह से गंभीरता बरती जाए, किसी भी तरीके से कोई लापरवाही ना हो। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से दर्ज। वीआरपी मेनन ने 1990 में लगातार 463 घंटे डिस्को डांस कर विश्व रिकॉर्ड बनाया। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में 1993 में बोइंग 737 विमान दुर्घटनाग्रस्त होने से करीब 60 लोगों की जान गई। भारत और उज्बेकिस्तान ने 2006 में 6 संधि पर हस्ताक्षर किए। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने जम्मू कश्मीर में बना 390 मेगावाट का दुलहस्ती हाइडल पावर प्रोजेक्ट 2008 में देश को समर्पित किया। बिहार सरकार ने बिहार के प्रसिद्ध चिनिया केले की ब्रांडिंग गंगा केले के रूप में करने का 2010 में फैसला किया। 1987 में प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक, छायाकार और लेखक नितिन बोस का जन्म हुआ। महान गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजम का 1920 में निधन हुआ। आज ही के दिन को चेरनोबिल दिवस और बौद्धिक संपदा अधिकार दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। अब आसानी से पता लगाएं अपने गुम हुए मोबाइल फोन का लोकेशन। अगर आपका एंड्रॉइड फोन गुम या चोरी हो जाए तो आप क्या करेंगे? आज हम आपको कुछ स्टेप्स बताएंगे जिससे आप अपने खोए हुए फोन की लोकेशन ढूंढ पाएंगे और उसे घर बैठे ही लॉक या डेटा डिलीट कर पाएंगे। आपका फोन लोकेशन एक्सेस और फाइंड माई डिवाइस इनेबल या ऑन दोनों के साथ ऑन होना चाहिए। आपको गूगल अकाउंट में साइन इन होना चाहिए। मोबाइल डेटा ऑन होने की संभावना के साथ फोन इंटरनेट से जुड़ा होना चाहिए। एक वाईफाई कनेक्शन भी काम करना चाहिए, लेकिन इसकी संभावना कम है। फोन गूगल पर दिखाई देना चाहिए। इसके अलावा यदि आपके पास टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन के साथ खोए हुए डिवाइस को रजिस्टर्ड करने के मामले में बैकअप डिवाइस या बैकअप कोड है तो ये भी काम करना चाहिए। पंजाब ने चेन्नई को 11 रनों से दी मात। आईपीएल 2022 के 38वें मैच में पंजाब किंग्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को 11 रनों से मात दी है। चेन्नई के सामने जीत के लिए 188 रनों का टारगेट रखा गया था, जिसके जवाब में टीम 176 रन 6 विकेट के नुकसान पर बना सकी और मुकाबला हार गई। अंबाइती रायडू 78 रन के साथ टॉप स्कोरर रहे। वहीं पंजाब की बात करें तो 8 मैच में ये चौथी जीत रही। टीम ने
अब तक 4 मैच हारे हैं। वहीं चेन्नई सुपर किंग्स की 8 मैच में ये छठी हार है। टीम ने अब तक केवल 2 ही मैच जीते हैं। इससे पहले टॉस हारकर बैटिंग करते हुए पंजाब ने 20 ओवर में 4 विकेट खोकर 187 का स्कोर बनाया था। शिखर धवन ने सबसे ज्यादा नाबाद 88 रन बनाए। सीएसके की तरफ से ड्वेन ब्रावो 2 विकेट लेने में कामयाब रहे थे। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है बबीता यादव, कुश कुमार यादव, गौतम कुमार, श्याम कुमार, शंकर मुखिया, अरविंद कुमार, राम जन्म कुमार, साहिल कुमार, राजीव कुमार, सोनू कुमार, राहुल कुमार। आप इसी तरह हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम हर दिन वीडियो के अंत में आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार चिराग पासवान की मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से सीएम कुर्सी छोड़ने की मांग सही है या नहीं? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।